तो आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज करने के लिए, जिसका नाम है वुड यू रेदर, जहाँ हमें दो चॉइसेस में से कोई एक चॉइस पिक करनी होती है अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग, और देखते हैं कि वो डिसीजन कितने लोगों ने पिक किया है। अच्छा काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, और खास तौर पर बीस्ट बॉय शुभ को मैंने खेलते हुए देखा है। मैं काफी टाइम से ये चैलेंज करना चाहता था बट बिना अपना फेस शो किए, सो डेफिनेटली ये तरीका ढूंढा मैंने, दिस इज द सेफ। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बी द ओनली चाइल्ड इन योर फैमिली, हैव ए लॉट ऑफ सिबलिंग्स, लाइक तुम इन दोनों में से क्या चुनते, कि तुम अपनी फैमिली में ओनली चाइल्ड हो या फिर तुम्हारे बहुत सारे सिबलिंग्स हैं। ओके, हैव ए लॉट ऑफ सिबलिंग्स, ये चीज़ पता है कब हमारे काम आएगी, अगर हम वो ज़्यादा यंग हैं तो हमें खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा साथी मिल जाएंगे, हम साथ में बहुत सारी मस्ती कर सकते हैं, नई नई चीज़ें कर सकते हैं। यार इतने सारे सिबलिंग्स जब इकट्ठा होंगे ना तो मतलब धूम मचा देंगे एक साथ में। बट बी द ओनली चाइल्ड इन योर फैमिली, अगर अपनी फैमिली में मैं इकलौता चाइल्ड हूँ तो मुझे आई थिंक सारी चीज़ें मुझे अकेले को मिलेंगी, मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होगा, सारे खिलौने मेरे होंगे, बट अलोन बन के रह जाऊँगा मैं, सो आई विल गो विद हैव अ लॉट ऑफ सिबलिंग्स। ओके ओके, 53% लोगों ने ये चूज़ किया है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट राउंड, लूज द एबिलिटी टू टॉक, लूज द एबिलिटी टू वॉक। लूज द एबिलिटी टू टॉक कि लाइक पूरी लाइफ के लिए तुम बोल नहीं सकते, और सेकेंड ऑप्शन है कि पूरी लाइफ के लिए तुम चल नहीं सकते। ये तो डिफिकल्ट है भाई, लेकिन अगर मैं पूरी लाइफ के लिए बोल नहीं सकता, जो कि मैं वैसे भी नहीं बोलता क्योंकि मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, सेकेंड ऑप्शन है लूज द एबिलिटी टू वॉक कि तुम पूरी लाइफ के लिए चल नहीं पाओगे, दिस इज डेंजरस भाई। लाइक मैं अपनी रोज़ की चीज़ों के लिए, लाइक वॉशरूम जाना, ऑफ कोर्स मुझे हेल्प चाहिए होगी हर चीज़ के लिए, बट लूज़ द एबिलिटी टू टॉक, अगर मैं टॉक करने की एबिलिटी खो देता हूँ उसके बाद भी मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें होंगी एक्साइटिंग करने के लिए, लाइक जो बोल नहीं सकते उनके पास होते हैं ना, वो हैंड साइंस वगैरह यूज़ करते हैं, सो आई विल गो विद लूज़ द एबिलिटी टू टॉक, देखते हैं। ओके, ये भी 60% लोगों ने सिलेक्ट किया है, फाइनली हम जीत रहे हैं, काफ़ी अच्छा डिसीजन आ रहे हैं अपने। तीसरा है, इंस्टेंटली नो व्हेन समवन इज लाइंग टू यू, तुम एकदम से जान जाओगे कि जब तुम्हारे साथ कोई झूठ बोल रहा है, ये एबिलिटी बड़े काम की है। सेकंड, बी एबल टू लाई विदाउट एवर बीइंग कॉट, तुम्हारे पास झूठ बोलने की काबिलियत है और तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे। दोनों में से कौन सी सही लग रही है तुम्हें, इंस्टेंटली नो व्हेन समवन इज लाइंग टू यू कि हमें एकदम से पता चल जाएगा जब सामने वाला झूठ बोल रहा है, बी एबल टू लाई विदाउट एवर बीइंग कॉट, लाइक आई थिंक ये सेकंड वाला ऑप्शन काफ़ी बढ़िया है कि हम झूठ बोलेंगे और कभी पकड़े नहीं जाएंगे, पता नहीं क्यों, क्योंकि अगर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर मैं चूज करता हूँ, इंस्टेंटली नो व्हेन समवन इज लाइंग टू यू, अक्सर हमें हमारे साथ बड़ी बार ऐसा होता है कि कोई हमसे बात कर रहा होता है, हमें पता है ये झूठ बोल रहा है, बट फिर भी हम इग्नोर कर देते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, सो आई थिंक फर्स्ट वाली चीज़ हमारे साथ काफ़ी बार होती है। आई विल गो विद द सेकंड ऑप्शन, बी एबल टू लाई विदाउट बीइंग कॉट, हम झूठ बोलेंगे और पकड़े भी नहीं जाएंगे। देखते हैं कितने लोगों ने सिलेक्ट किया इसको। ओके, 42%, 58% लोग फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं, इनकी मर्जी भाई। ओके, नेक्स्ट राउंड आ चुका है, अभी हमें चूज करना ऑलवेज बी टू कोल्ड, ऑलवेज बी टू हॉट, तुम्हें क्या पसंद है, ऑलवेज बी टू कोल्ड हमेशा ठंडा रहना जो हमेशा गर्म, आई थिंक ऑलवेज बी टू हॉट आई विल गो विद दिस, क्योंकि क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं ना तो मेरे को बहुत गंदा जुकाम आता है और बुखार, सो कोल्ड तो नहीं, कोल्ड के साथ मैं नहीं जाना चाहता, आई हॉट मैं बर्दाश्त कर लूँगा भाई, फैन वगैरह ऑन कर लूँगा और बाकी चीज़ें चलेंगी, तो आई विल गो विद ऑलवेज बी टू हॉट। लो भाई, 27% लोग हॉट के साथ जाना चाहते हैं, सबको कोल्ड ही पसंद है। नेक्स्ट राउंड, हैव टू गो टू स्कूल इन ए शॉपिंग कार्ट पुश्ड बाय योर मोम, हैव टू गो टू स्कूल इन ए वेगन पुल्ड बाय योर डैड। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं कि तुम्हें तुम्हें स्कूल जाना है एक कार्ट में बैठ के जो तुम्हारी मोम घसीटते हुए लेके जा रही है, सेकेंड ऑप्शन में तुम्हें एक वेगन में जाना है पुल्ड बाय योर डैड जो कि तुम्हारे पापा खींच के लेके जा रहे हैं, आई थिंक मोम्स के साथ ज्यादा ड्रामा होता है। ओके, सो आई विल गो विद डैड, देखते हैं कितने लोग सिलेक्ट करते हैं इसको। देखा, 63% लोग इस ऑप्शन के साथ गए हैं। ओके, नेक्स्ट राउंड इज, एवरीथिंग स्टेज द वे इट इज एंड यू लिव डबल योर डेस्टिन लाइफ, कि सारा कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा बट तुम जियोगे डबल एंड यू लिव डबल योर डेस्टिन लाइफ, कि ऑलरेडी जो तुम्हारी लाइफ डिसाइडेड है उससे तुम डबल अपनी लाइफ को जी पाओगे। और सेकेंड ऑप्शन है,
यू आर बोर्न इन टू अ वेल्थी एंड लकी सर्कमस्टांसिस बट लिव हाफ ऑफ योर डेस्टिन लाइफ, कि तुम एक काफ़ी रिच अमीर और ऐसी फैमिली में पैदा हुए जहाँ तुम लकी भी हो बहुत ज़्यादा, ओके तुम्हारी मतलब किस्मत बन चुकी है, लेकिन सिर्फ तुम आधी जिंदगी ही जियोगे। सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लाइक हमारे पास पैसा है, वेल्थ है और लक भी है, लेकिन हम सिर्फ आधी लाइफ जीना चाहते हैं, जी पाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि जैसी लाइफ हमारी प्लान्ड है वैसी ही हम जिएंगे, लेकिन डबल। तो ये भी तो हो सकता है कि हमारी लाइफ जो प्लान्ड है, डेस्टिन्ड लाइफ, उसमें आगे चलकर वेल्थ लिखी हो, क्या पता। सो आई विल गो विद फर्स्ट ऑप्शन। ओके 62% लोग इस ऑप्शन के साथ गए। ओके ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। गेट $100 million राइट नाउ, रिसीव 3 wishes फ्रॉम ए जीनी राइट नाउ। तुम इसमें से क्या चूज करोगे कि $100 million तुम्हें इंस्टेंटली अभी के अभी मिल जाएंगे, और अगला ऑप्शन है रिसीव 3 wishes फ्रॉम ए जीनी राइट नाउ, कि तुम जीनी से 3 wishes मांग सकते हो। लाइक अगर हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, $100 million हमें मिल जाएंगे, बट वो सिर्फ वेल्थ है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास 3 wishes होंगी जो हम जीनी से मांग सकते हैं, तो हम कुछ भी मांग सकते हैं, लाइक मैजिकल पावर एंड ऑल थिंग्स, सिर्फ वेल्थ नहीं। अगर हम कोई ऐसी मैजिकल एबिलिटी मांग लें जिससे हम खुद ही वेल्थ क्रिएट कर सकें, सो आई विल गो विद 3 wishes फ्रॉम जीनी। ओके देखते हैं कितने लोगों ने सिलेक्ट किया। ओके 86% लोगों ने इसको चूज किया। नेक्स्ट है एक्सीडेंटली ड्रॉप ए बेबी, एक्सीडेंटली ड्रॉप 3 puppies। हमें इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक चूज करना है। अभी तुमने एक्सीडेंटली बाय मिस्टेक एक बेबी को ड्रॉप कर दिया, या फिर तुमने 3 puppies को बाय मिस्टेक ड्रॉप कर दिया एक्सीडेंटली, तो तुम क्या चुनोगे? पपीज को ड्रॉप कर दिया। आई थिंक अगर मैं बेबी को ड्रॉप करूँ तो वो तो उठ नहीं पाएगा, लाइक वो गिरेगा और ठप से जमीन पे पड़ जाएगा और वो चोट लग जाएगी उसको। बट इफ आई ड्रॉप 3 puppies, पपीज का क्या सीन है कि उनकी बॉडी इस तरह से डिजाइन होती है कि वो अगर नीचे गिरेंगे ना तो खुद को स्टेबल कर लेंगे, उन्हें चोट नहीं आएगी इतनी, लाइक वो फ्लेक्सिबल है इतने। सो आई विल गो विद एक्सीडेंटली ड्रॉप 3 puppies। देखते हैं कितने लोगों ने सिलेक्ट किया इसको। 63%। ह्यूमंस आर रियली सेल्फिश, ओनली ईट फास्ट फूड, क्विक कन्वीनियंट मैनी ऑप्शंस। Only eat homemade food, takes longer, cheaper in long run, cooking flexibility. Okay, तुम किसको choose करोगे? Only eat fast food, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, convenient है और बहुत सारे option है तुम्हारे पास, या फिर तुम्हें सिर्फ homemade food ही consume करना है जिसको बनने में ज़्यादा देर लगती है, cheaper in long run, लेकिन वो सस्ता है, like तुम्हारी health के लिए भी काफ़ी सही है, और cooking flexibility, okay. तुम किसके साथ जाना चाहोगे? Like only eat homemade food? होममेड फूड तो हम रोज ही खाते हैं यार, कुछ नया करने का अगर मेरे को मौका मिल रहा है तो आई विल गो विद ओनली ईट फास्ट फूड। देखते हैं कितने लोग सिलेक्ट करते हैं इसको। ओके यहाँ कुछ हेल्थ कॉन्शियस पीपल ज्यादा ही हैं। प्ले वीडियो गेम्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, वॉच मूवीज फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तुम इसमें से क्या चूज करोगे? लाइक जो नेटफ्लिक्स इन सब चीजों के वेब शोज को देखते हैं, डेफिनेटली इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, वॉच मूवीज फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। बट मैं मूवीज बहुत ज्यादा कम देखता हूँ, सो आई विल गो विद प्ले वीडियो गेम्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। देखते हैं कितने लोगों ने सिलेक्ट किया इसको। 68%। यहाँ पर सिर्फ गेमर इकट्ठे हुए हैं। टेल योर बेस्ट फ्रेंड ऑल योर सीक्रेट, तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड को सभी सीक्रेट बताने हैं। टेल योर पेरेंट्स ऑल योर सीक्रेट्स। नो, डेफिनेटली नॉट, फ्रेंड के साथ चलेगा। देखते कितने लोगों ने इसको सिलेक्ट किया। 81%। पैट एवरी एनिमल यू सी। ओके जो भी एनिमल तुम देखते हो उसको पैट थपकी लगा सकते हो। सिंग अलोंग टू एवरी सॉन्ग यू नो अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। तुम्हारे पास लाइक ये एबिलिटी है कि तुम हर वो सॉन्ग गा सकते हो जो तुम्हें पसंद है और हर एक सर्कमस्टांसिस में। लाइक ये चीज तो मैं हमेशा करता हूँ, तो ये एबिलिटी तो मेरे पास है। पैट एवरी एनिमल यू सी, हर एक एनिमल को पैट कर सकते हो। लाइक अगर कोई स्केरी सा डॉग आ गया और मैं उसको पैट करने गया और वो उल्टा मेरे ऊपर ही चढ़ गया, नो ये स्केरी है। आई विल गो विद सिंग अलोंग टू एवरी सॉन्ग यू नो अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। देखते हैं कितने लोगों ने सिलेक्ट किया इसको। ओके 50-50। तो ओके आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दो। आगे चल के कुछ और एक्साइटिंग आने वाला है, स्पेशली अबाउट माइनक्राफ्ट।